हेलो गाइस, मैं खुशी रहूँ, आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। निशांत भट्ट ने बोला टास्क कर दो रद्द और उमर भड़क पड़े निशांत भट्ट पे। क्या है कारण, क्या है सब चीजें, चलिए आप लोगों को बताते हैं। निशांत ने ऐसा क्यों बोला और उमर क्यों भड़के और क्या बात कर रहे हैं, उसकी पूरी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, जो उमर रियाज है, निशांत भट्ट है, वहां पर खड़े होते हैं और उसी दौरान ही निशांत भट्ट बोलते हैं कि ये पूरे का पूरा जो थर्ड राउंड जो है रद्द हो गया है और चौथा राउंड जो है अब स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बाद जो है निशांत भट्ट बोलते हैं कि भाई ये टास्क पूरे का पूरा रद्द ही करवा देते हैं। ये बात सुनने के बाद जो है उमर रियाज काफी भड़क पड़ते हैं और भड़कने के बाद ये बात बोलते हैं, हाँ भाई तेरी वहां पर फोटो नहीं है, मेरी वहां पर फोटो नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टास्क रद्द करवा दे, कि कोई और डिजर्व करता है, कोई और वहां पर है तो उसके लिए तो खेलना चाहिए ना। तो उमर रियाज जो है टास्क को रद्द नहीं, टास्क को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो क्वालिटी है ये बिग बॉस 13 में देखी जाती थी और बिग बॉस 13 में हर एक टास्क जो है रद्द नहीं, हर एक टास्क जो है कंप्लीट किए जाते थे, काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट किए जाते थे। और वही चीज जो है यहां पर उमर रियाज में देखने के लिए मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उमर रियाज गलत सीजन में आ गए, उनको कोई और सीजन में आना चाहिए था। अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पर फिर भी उमर रियाज गुस्सा तो होते हैं, पर फिर भी अभी निशांत भट्ट को समझा रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं कि नहीं निशांत ऐसा नहीं होता है, कोई और है, वो और कोई बंदा डिजर्व करता है, हमें खेलना चाहिए, टास्क परफॉर्म हुआ, इतना बड़ा सेट सजाया गया है, हमें उसको परफॉर्म करना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। जो कि उमर रियाज की ये बातें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, हालांकि आप लोगों को अच्छी लगी तो आप ही बताइए, पर मुझे ये चीज का जवाब जरूर दीजिए कि उमर रियाज क्या गलत सीजन में आए हैं, इनको कोई और सीजन में आना चाहिए था, मुझे तो भाई लगता है पक्का। आपका क्या विचार है आप भी बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।